महाराष्ट्र में हुए एमएलसी चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद से ही शिवसेना के सीनियर नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे की कोई खबर नहीं थी। अब पता चला है कि वह कुछ विधायकों संग गुजरात के सूरत में हैं। आशंका है कि चुनाव में शिवसेना के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, जिसके चलते पार्टी को नुकसान हुआ। सोमवार देर रात महाराष्ट्र की 10 सीटों पर विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। इसमें बीजेपी के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि एनसीपी और शिवसेना के 2-2 उम्मीदवारों के सिर पर जीत का सेहरा बंधा है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। माना जा रहा है कि बीजेपी को शिवसेना के विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग का फायदा मिला है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना नेता और सीनियर मंत्री एकनाथ शिंदे का इस क्रॉस वोटिंग में हाथ है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक वह सूरत में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना का दावा है कि उनके सपोर्ट में 20 विधायक हैं। ये विधायक पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ इलाके के बताए जा रहे हैं। पहले खबर थी कि कल चुनाव के बाद से शिवसेना का कुछ पता नहीं है। शिंदे के साथ उनका समर्थन करने वाले कुछ विधायक भी बहुत से बाहर थे। आशंका जताई जा रही थी कि शिवसेना के इन्हीं विधायकों ने कल एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोट किया है। शिवसेना के विधायकों ने कल क्रॉस वोटिंग की है। यह साफ नजर आ रहा है कि शिवसेना गठबंधन के पास अनुमानित वोट 64 थे। इसमें शिवसेना पार्टी के 55 वोट थे। जी हाँ, आपको बता दें, इसके अलावा छोटी पार्टी और कुछ निर्दलीय भी शिवसेना के समर्थन में थे, जैसे प्रहार पार्टी विधायक, क्रांतिकारी पक्ष एक विधायक, वही निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल, गीता जैन, मंजुला गावितो, नरेंद्र भोंडेकर, राजेंद्र यादवकरी, चंद्रकांत पाटिल को लेकर भी यह अनुमान लगाया गया है कि वे शिवसेना के साथ हैं। लेकिन शिवसेना को एमएलसी चुनाव में से 52 वोट मिले हैं, यह उनके संख्या बल से पूरे 12 वोट कम है। माना जा रहा है कि शिवसेना कुछ विधायक शिंदे के साथ है। खबर है कि शिंदे फिलहाल सूरत के होटल में है। विधायकों के सूरत में होने की बात पुख्ता लग रही है। दरअसल सूरत कंट्रोल रूम को रात को 2 बजे फोन किया गया था कि सूरत ले मैराज इन होटल में सुरक्षा तैनात करनी है। कहा गया था कि वहां महाराष्ट्र के विधायक आए हैं। फिलहाल होटल के अंदर बाकी सभी की एंट्री बंद है। सूरत पुलिस ने रात 2:30 बजे वहाँ बैरिकेड लगा दिए थे। रात भर सभी विधायक होटल में ही रहे। अभी गुजरात बीजेपी का कोई भी पता नहीं। अभी गुजरात बीजेपी का कोई भी नेता वहां पहुंचा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। कि सूरत ले मैराज इन होटल में सुरक्षा तैनात करनी है। कहा गया था कि वहां महाराष्ट्र के विधायक आए हैं। फिलहाल होटल के अंदर बाकी सभी की एंट्री बंद है। सूरत पुलिस ने रात 2:30 बजे वहां बैरिकेड लगा दिए थे। रात भर सभी विधायक होटल में ही रहे। अभी गुजरात बीजेपी का कोई भी नेता वहां पहुंचा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।